क्या मुराद है कि जंग के रिश्ते पर ठीक है यानी कि एक तजल में सिचुएशन पाई जा रही है जो कि जिसमें एक तजल्स पाया जा रहा है बहुत ही क्योटिक सी सिचुएशन है ठीक है अब इस ये मेनली किस बारे में है कि जो हमारे मेन पिलर हैं जो हमारी कंट्री हमारी स्टेट पाकिस्तान के जो मेन पिलर्स हैं ठीक है उनमें कन्फ्रंटेशन पाया जा रहा है ठीक है, है तो इस हवाले से इसको लिखा गया, इसको हम स्टार्ट करते हैं द अगली कंफ्रंटेशन बिटवीन पिलर्स ऑफ स्टेट शो नो साइन ऑफ ईजिंग ठीक है अब जो हमें अगली कंफ्रंटेशन जो तसादुम नजर आ रहा है स्टेट के पिलर्स के दरमियान उसमें ईजिंग के कोई भी साइन नहीं है द नेशन विटनेस एज मच ऑन ट्यूजडे ट्री प्रोसीडिंग ऑफ लॉ लिमिटिंग द चीफ जस्टिस पावर्स जिसमें हम देख सकते हैं कि नेशन विटनेस ठीक है नेशन खुद भी उस चीज की विटनेस है जो की ट्यूजडे को क्या हुआ की नेशनल असम्बली ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट की समनिंग को के जो चीफ जस्टिस की पावर uh, को कम करने के लिए जो लॉ प्रोसीड किया जाए उस हवाले से बात की जा रही है नेशनल असेंबली में चीफ जस्टिस के पावर को कम करने के लिए जो है वो की uh, की गई थी इकदाम ठीक है द लॉ मेकर्स वर नॉट आउट ऑफ प्लेस इसमें जो लॉ मेकर्स हैं उनकी अगर बात की जाए वो भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है फॉर वॉल लीगल इंटरप्रिटेशन में वेरे आर्टिकल सिक्सटी नाइन ऑफ द कंस्टिट्यूशन इन वोक्ड द पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयर इन द नेशनल असेंबली

काम उनके कामों में कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती इनके मामला को इंडिपेंडेंटली जो हाउस है वो खुद ही रिजोल्व करेगा ठीक है इस आर्टिकल के मुताबिक अनड्यू इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट अफेयर बाय द कोर्ट देन ठीक है अब यहाँ पर अंडियो आपको का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया अंडियो से मुराद नाजायज ठीक है अंडियो इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्स अफेयर्स बाय द कोर्ट देन विल बी सीन एज ब्रीचिंग ब्रीचिंग होता है जो है खिलाफ वर्जी करना ठीक है द कंस्टिट्यूशनल बाउंड्रीज तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो नाजायज ना इंटरफेरेंस in, की गई पार्लियामेंट के अफेयर में कोर्ट की तरफ से वो खिलाफ वर्जी थी किस चीज की कंस्टिट्यूशनल बाउंड्रीज की इवन इफ इन दिस केस दीव यानी सुप्रीम कोर्ट मेअर् समन द रिकॉर्ड तो इस तरह से बहुत ही मुश्किल था कि सुप्रीम कोर्ट समन करे रिकॉर्ड रिकॉर्ड को ठीक है A series of events linked to electoral issues have led to the current impasse. Impasse मैंने आपको बताया था तातुल को कहते हैं ठीक है थीके? जो series of event हमें देखने को मिल रहे हैं मुल्क के अंदर जैसे कि electoral issues पे जो चल रहे हैं वो एक current जो है वो तातुल है उसमें पाया जा रहा है ठीक है यानी कि रुकावट है ठीक है With both sides erring in their decision to not budge an inch for their respective positions. ठीक है erring क्या है गलती करने वाला budge in inch हलचल ठीक है अब उसमें क्या है हलचल जो है वो पाई जा रही है और किसी किस्म की मतलब हलचल इस तरह से नहीं है कि गलती जो है कोई भी अपने मानने को तैयार नहीं है दोनों साइड से हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं दिस वाज एविडेंट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ बेंचेस विद सी रिफ्यूजिंग टू सेटिस्फाई द गवेंट डिमांड फॉर अ फुल कोर्ट टू एग्जामिन द दीपीजमेंट ऑफ पोल्स टू द पंजाब असेंबली जिसमें हमें देखने को मिला ये एविडेंट है ठीक है हमें नजर आ रहा है कि जो हुकूमत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंचेस बनाए फुल कोर्ट बेंचेस बनाए लेकिन एससी ने इस चीज से रिफ्यूज कर दिया इस चीज को नहीं माना ठीक है जो कि क्या किस चीज के बारे में था इलेक्शंस के बारे में था पोल्स के बारे में था किसके पंजाब असेंबली के हवाले से ठीक है एंड इट्स एक्शन अगेंस्ट द लॉ अबव और इसके अलावा जो जो आपको आपको इसके जो primitive actions बताए गए हैं वो ऊपर बता दिए गए हैं इट इक्वली इन द गवमेंट ओपन डिफाइंस डिफाइंस किसे कहते हैं डिफाइंस भी खिलाफ वर्जी को ही कहते हैं ठीक है और ये एक खुल्लम खुल्ला जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो खिलाफ वर्जी थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू होल्ड पोल्स विद इन नाइनटी डेज अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर

इतदार को अपनी ठीक है और वन वेयर द जुडिशियल रिट इज बीइंग बी थर्वर्टेडेड होता है नाकाम होना ठीक है और दूसरी तरफ यह है कि नाकाम ना बनाया जाए इस तरह से जुडिशियल रिट को भी बाय दोज हु आर अवॉइडिंग द द पीपल्स मैंडेट एंड रिजल्ट इज बाउंड टू बी डिजास्ट्रस लेकिन अब ये है कि आपस में अगर उलझ जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपको एक डिजास्टर्स ही नजर आएगा ठीक है इफ वी कंटिन्यू ऑन दिसजेट्री ट्रेजेक्ट्री होती है रफ्तार अगर हम इसी रफ्तार से कंटिन्यू करते रहे तो एक हमें डिजास्टर्स जो है वो सिचुएशन नजर आएगी द लैंग्वेज ऑफ मॉडरेशन इज की टू इफेक्टिव डिप्लोमेसी इन द इंटरनेशनल एरेना अगर इंटरनेशनल एरेना की बात करें तो जो है वो मॉडरेशन ही एक की है जो कि एक हम इंटरनेशनल uh, एरेना में भी हमें एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी देखने को मिलती है इटम

चर दिखाने की जो है वो जरूरत नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें एक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने चाहिए कंट्री के अंदर ठीक है और मॉडर्नाइजेशन को अपनाना चाहिए फॉर इंस्टेंस इन हिज हार्ड हिटिंग स्पीच इन द असेंबली ऑन ट्यूजडे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मेड अ स्ट्रॉग पॉइंट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कोर्ट इट सेल्फ एज ही करेक्टली रेफर्ड टू इन ग्लोरियस पीरियड्स इन द इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने हार्ड हिटिंग स्पीच दी है ठीक है किसने डिफेंस मिनिस्टर खजाउ आसिफ ने उन्होंने स्ट्रांग पॉइंट्स उठाए अकाउंटेबिलिटी की तरफ ठीक है और इन ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री को भी उन्होंने रेफर किया है उसमें बट टू से दैट इफ दे वांट अ वॉर देन देयर विल बी अ वॉर सेंड्स एन अलार्मिंग मैसेज और उन्होंने साथ ही साथ क्या कहा अगर वो वॉर चाहते हैं तो फिर क्या होगा ठीक है ये एक अलार्मिंग एक खतरे वाला मैसेज है एज ड पी एस सी चेयर थ्रेड टू इश्यू अरेस्ट वॉर फॉर द सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इफ द ऑफिशियल रिफ्यूज टू ब्रीफ द असेंबली ठीक है उसके अलावा आपको यहाँ पे पी एस सी चेयर के हवाले से जो थ्रेड भी दिखाया गया उसका इशू भी दिखाया गया उन्होंने क्या वारंट जारी किए थे एस सी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को के हवाले से वारंट जारी किए थे लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया विद बोथ द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचे

प्रोस्पेट होते हैं इम्काना ठीक है कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट हैं हैं वो भी बहुत वीक हैं है, disintegration. Disintegration होता है के बिखर जाना अब जो है, वो भी किस पर है? के पॉइंट पर हैं ठीक है ओनली वे आउट फ्रेश पोल्स तो इसका uh, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता नजर आता है जो कि फ्रेश पोल्स हैं ठीक है थीके? नए इलेक्शन करवाए जाए द टॉक्स बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई हैल्ड द की टू द प्रॉब्लम तो इन इन दोनों के दरमियान इन दोनों जो है वो पार्टीज के दरमियान अगर जो है टॉक हो जाए पीस टॉक हो जाए ठीक है तो इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ठीक है जी ये इसका एनालिसिस था अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज